वहाँ पे हम पट्टी बेल रहे हैं, तो पट्टी बेल के फिर हमें आलू भी छीलना है। तो आलू तो को सोनम छील के जाती है वैसे सुबह में, लेकिन आज उबला नहीं था तो हम और मम्मी यहाँ पे छील रहे हैं। फिर हमें बिस्तरा क्लीन करना है, बच्चे लोग का एग्ज़ाम है तो बिस्तरे पे ही पढ़ते हैं, तो बिस्तरा क्लीन कर लेते हैं। फिर हमें लगाना है झाड़ू और पोछा। फिर पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर पोछा लगा लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम किचन में, किचन भी क्लीन कर लेते हैं। किचन वैसे क्लीन है, रात के जो हम सुबह बर्तन धोने के बाद हमें डालना है दाल चावल, तो यहाँ पे हम दाल को डाल दिए, वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे दाल को चढ़ा दिया है, यहाँ पे चावल भी ले लेते हैं, चावल को भी डाल देते हैं, चावल को भी धो लेते हैं। तो यहाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो यहाँ पे मैंने लिया है चाय और रस, तो अभी भी चल रहे हैं हम चाय पीने, तो चलिए चलते हैं चाय पी लेते हैं। है बच्चे सारे गए, लकी भी गया, तो अभी 1 बजे तक सारे बच्चे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम नाश्ते में कुछ पालक की नई चीज बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग से भी शेयर करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पालकी 1 गुंडी, तो इसका हमें पत्ती सारा निकाल लेना है जो एकदम अच्छे अच्छे ताजे ताजे हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं और छांट लेते हैं अच्छे से। लिया है आप लोग देख सकते हैं सारा पत्ता मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मैंने पालकी काट के धो लिया है और इसका पानी अच्छे से गिरा लिया है, तो हम इसमें पलटी कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, ये है कॉर्नफ्लावर, ये भी डाल देते हैं। यहाँ पे है धनिया का पत्ती, ये भी डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, यहाँ पे मिर्चा पाउडर, ये भी डाल देते हैं। धनिया पाउडर, यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, इसे भी ओकर के डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया, ये भी डाल देते हैं। पानी का गूंथ लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने बिगर पानी का ही गूंथा है, तो हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, तो इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया एक भगोना, इसमें हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसमें 1 लोटा पानी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने जो प्लेट आती है जिसमें छेद बने रहते हैं वो लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा देते हैं ताकि जो हम बनाए वो चिपके ना। तो यहाँ पे प्लेट ले लिए हैं और तेल लगा लेते हैं, अच्छे से लगाना है हमें। तो इसी पे हम रख देते हैं और पानी को उबलने देते हैं। तब तक हम अपनी लोई लेके इसे लंबे लंबे टाइप में, आप कोई भी शेप में बना सकते हो, तो हम लंबे शेप में बना के फिर इसे कटिंग करेंगे। तो हम इसी तरीके से रख देते हैं इस पे, तो सारा इसी तरीके से बना के रख देते हैं हम। तो ये सारे को मैंने बना के रख दिया है, तो इसे हम ढक देते हैं अच्छे से कवर करके, कुछ टाइम बाद हम इसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं टाइट हो गया है ये। तो फ्रेंड्स इसे हमने पलट दिया है अच्छे से और फिर ढक देते हैं। इसको बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमने निकाल दिया है तीनों, तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से निकला है, टाइट भी हो चुका है। तो इसे कुछ टाइम रख देते हैं, ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ठंडा हो चुका है हमारा अच्छे से, तो हम इसे काट लेते हैं। कैसे हमें काटना है आप लोग देख सकते हैं, तो सारा हम इसी तरीके से काट लेते हैं। मैंने काट लिया है, इसी तरीके से हमें काटना है। पैन को गरम कर लेते हैं, पैन हमारा गरम हो गया है तो तेल डाल देते हैं इसमें, तो एक एक करके हम इसमें रख देते हैं। तो सारा मैंने डाल दिया, इसे अच्छे से लाल कर लेते हैं। तो इसे चम्मच चक्कू की मदद से पलटी कर लेते हैं।
तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और ना ही जाए इसे, और लाल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये अच्छे से लाल हो गया, गैस को हम बंद कर दें। पकौड़े हमारे बन गए, आप लोग देख सकते हैं। इसे मैंने भाप से बनाया है, फिर उसे छान दिया है। तो ये आप रख भी सकते हैं फ्रिज में 2-3 दिन के लिए, तो इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो मैंने तो रखा है, कल इसकी सब्ज़ी बना देंगे, इसी ब्लॉग में बना देते, लेकिन ब्लॉग हमारी बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए हम सोचे कि कोई बात नहीं, कल के ब्लॉग में दिखा देंगे। तो आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। कपड़े उतारने, तो आज हम कितने दिन बाद आप लोग को दिखा रहे हैं अपना छत, क्योंकि अब धूप होने लगा है बहुत तेज की, तो हम छत पे आते नहीं है, सिर्फ कपड़े डाल देते हैं, फिर हम सीधा शाम को ही आते हैं, जब धूप एकदम कम हो चुका है, थोड़ा बहुत है, जो चाय बना रही है अभी। अब तो धूप भी अच्छी नहीं लगती है, ठंड बहुत कम हो गई, बस शाम सुबह ठंड लगती है, लेकिन